हाय, दिस इज़ औरंगज़ेब खान। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, इन गुड हेल्थ होंगे। आज एडिस अबाबा में मौसम सर्द है। यहाँ का मौसम वैसे तो नॉर्मली सारा साल ही मॉडरेट रहता है, 20 to 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है एडिस अबाबा का। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यहाँ रेनी सीजन होता है और ये अलकदरे ठंडा मौसम होता है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आज ये जैकेट पहनी हुई है। थोड़ा मौसम यहाँ पे 4-5 महीने थोड़ा ठंडा रहता है। ये जून टू सितंबर ठंडा मौसम है, रेनी सीजन है, और वैसे ऑलमोस्ट जो सारे साल का वेदर है यहाँ का मॉडरेट रहता है, 20 to 25 सेंटीग्रेड। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये मिनरल वाटर की बोतल यहाँ पे क्यों रखी हुई है। इसको मैंने पर्पजली यहाँ पे रखा है, जस्ट टू शो ऑफ के ब्रांड क्या होता है। ये पानी का, मिनरल वाटर का ब्रांड है यहाँ का लोकल, और 30 to 40 रुपीज़ इसकी अराउंड वैल्यू है पाकिस्तानी। और वो वैल्यू जस्ट इस जो लोगो आपको नज़र आ रहा है, इस ब्रांड जो आपको ब्रांड नज़र आ रहा है, इस पानी की जो वैल्यू है वो जस्ट इस पानी, इस ब्रांड की वजह से है, इस लोगो की वजह से है जो आपको नज़र आ रहा है। अगर ये लोगो यहाँ इस पे नहीं होगा बॉटल पे, ये कोई ब्रांड नहीं होगा, तो जस्ट ये एक पानी है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह जस्ट एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आप अपने आप को भी एक ब्रांड बनाइए, और अगर आप अपने आप को एक ब्रांड बनाएंगे तो आपकी भी एक कीमत होगी और आपकी भी कीमत बढ़ सकती है और आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रांड नहीं होंगे तो आपकी भी कोई कीमत नहीं होगी या आपका भी की कीमत नहीं बढ़ेगी। जस्ट अगर मैं इस बॉटल से इस लोगो को हटा दूँ तो क्या आप इसको 30 या 40 रुपीज़ में परचेज करेंगे, मुझे बताइएगा। ये जस्ट एक पानी होगा और एक सिंपल बॉटल में पानी होगा, तो आप, मेरा ख्याल है कि इसको परचेज ही नहीं करेंगे। अब वो तो अगर आप इसको परचेज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि 5 या 10 रुपये में या इससे भी कम वैल्यू में परचेज करेंगे। सो ये जब इस पे कोई लोगो या कोई ब्रांड नहीं होगा तो ये एक कमोडिटी बन जाएगी। और याद रखिए, कमोडिटीज़ की जो प्राइस होती है वो कम होती है और ब्रांड्स की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। सो कमोडिटी ना बनिए, आप भी एक ब्रांड बनिए, अपने आप को, अपने आप, अपनी एक वैल्यू सेटल कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और एक ब्रांड बनिए, क्योंकि ब्रांड्स की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है और जो कमोडिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो बहुत कम होती है। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो जस्ट एक छोटा सा मैसेज देना था कि कैसे आप अपने आप को पर्सनल ब्रांड कर सकते हैं, अपने आप को पर्सनल ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को एक ब्रांड बनाइए, अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बनाइए, सो दैट एम्प्लॉयज़ भी आपको, आपकी एक वैल्यू हो, आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकें और एम्प्लॉयज़ भी आपको परचेज कर सकें हायर रेट्स के ऊपर, हायर सैलरी पैकेजेस के ऊपर, और ना कि वो आपको एज ए कमोडिटी समझें और बहुत ही कम प्राइसेस पे आपको परचेज करें। अपने आप को एक ब्रांड बनाइए और याद रखिए कि ब्रांड्स की जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है, और अगर आप अपने आप को कमोडिटी बनाएंगे तो आपकी प्राइस भी बहुत कम होगी या आपकी कोई प्राइस नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा, फॉर लाइकिंग द वीडियोज़। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट प्रोफेशनल्स फॉर द गुड वीडियोज़, फॉर द गुड मैसेजेस। मैसेजेस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई कंसर्न हो, और वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा फॉर बेटर रीच, फॉर अदर पीपल बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।